वीडियो को आप इंटर देखें ताकि आपको मालूम चल सके कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए यदि आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि इस तरह से क्या है, माइल स्टील का प्लेट है जो 120 50 × 10 mm का है, 10 mm का है, और आपको बोला जाए कि इस तरह का जॉब बनाना है, तो आप इसका इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको कटिंग करना पड़ेगा, जितना साइज का दिया है उसका क्या हम लोग कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज कर सकते हैं, कटर, पावर हेक्सा एंड हैंड हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। यानी अगर हमको कोई भी ऑपरेशन बनाना है, ऑपरेशन कटिंग करना है, या फिर विभिन्न आकृति प्रदान करने के लिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग कटिंग करना पड़ेगा विभिन्न आकृति बनाने के लिए। इस तरह से आकृति बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग कटर से भी कटिंग कर सकते हैं, पावर हेक्सा से भी कटिंग कर सकते हैं, हैंड हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड के द्वारा भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो जनरली आज हम लोग जानेंगे हैंड हेक्सा के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैंड, तो जनरली हम लोग क्या आज जानेंगे हैंड हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से, जो मेनली पार्ट्स हैं, फ्रेम, हैंडल, एडजस्टिंग विंग नट, एडजस्टिंग विंग नट एंड रिटेनिंग पिन भी होता है, एक रिटेनिंग पिन। इसे जनरली है, ये इसके क्या है, मेन पार्ट्स हेक्स हैंड हेक्सा फ्रेम की, है ना। और जनरली अगर पूछा जाए कि टाइप्स क्या क्या है, जनरली जो इसको दो कैटेगरी में बढ़ा गया है, एक है सॉलिड और एक है एडजस्टेबल। लेकिन जब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो और एक आ जाता है हम लोग डीप। इसको हम लोग याद करने का तरीका है SAD। ये इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेक्सा फ्रेम के टाइप्स हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। S मतलब सॉलिड टाइप हेक्सा फ्रेम, A मतलब एडजस्टेबल टाइप हेक्सा फ्रेम, और D मतलब क्या होता है, डीप हेक्सा फ्रेम। जब यहाँ क्वेश्चन पूछता है एडजस्टेबल में क्या होता है, इसमें हम लोग विभिन्न टाइप स्टैंडर्ड साइज के ब्लेड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करके फिट कर सकते हैं, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एडजस्टेबल में विभिन्न स्टैंडर्ड साइज के ब्लेड हम लोग क्या इसमें फिट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड ब्लेड हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। और डीप में इसमें डीप कटिंग करने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं इसका, जैसे अगर ज्यादा डीप रहा, ज्यादा थिकनेस रहा मेटल का, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डीप हेक्सा फ्रेम ब्लेड के द्वारा कटिंग करेंगे। और सॉलिड में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइज के ब्लेड क्या है, फिक्स रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं इसका, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। और जनरली जो है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, स्लॉट कटिंग के लिए, हैंड हेक्सा प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, स्लॉट कटिंग करने के लिए, इंटरनल कटाई तथा एक्सटर्नल कटाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंड हेक्सा का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा हम लोग का थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन की हैंड हेक्सा के बारे में, हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये क्या करता है, कटिंग करता है, जिस स्ट्रोक में कटिंग करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। अगर यहीं पर रहा कि क्वेश्चन पूछ दिया, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पावर पावर हेक्सा मशीन हम लोग जो कटिंग करते हैं वो कैसे किस तरह कटिंग करते हैं, वो क्या होता है, बैकवर्ड या फिर रिटर्न स्टॉक पे क्या करते हो, और उससे कटिंग करता है हेक्सा पूछा था फॉरवर्ड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लेड के बारे में, हेक्सा ब्लेड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से रिलेटेड आपको एक ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हैंड हेक्सा ब्लेड है क्या। जनरली जो ब्लेड होता है पतली इस्पात पतली स्टील की, क्या एक पट्टी होती है जिसके दोनों एज में क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं, दोनों एज में क्या कटे होते हैं, दांते कटे होते हैं, एक सिंगल एक जो होता है सिंगल इंडेड हेक्सा ब्लेड, और होता है डबल इंडेड हेक्सा ब्लेड। सिंगल में क्या होता है, एक साइड दांते कटे होते हैं, डबल में क्या होता है, दोनों साइड दांते कटे होते हैं। ये तो था हेक्सा ब्लेड। और जैसा फिगर में देख पा रहे होंगे कि हेक्सा ब्लेड के इंड में दोनों क्या होते हैं, हॉल होते हैं। इसी चीज़ का हम क्या लेते हैं, इसे लंबाई लेते हैं, दोनों हॉल के सेंटर से हम लोग क्या लेते हैं, हेक्सा ब्लेड की लंबाई लेते हैं, जैसा फिगर में आप देख पा रहे होंगे। और कभी कभी पूछता है कि हेक्सा ब्लेड का एचआरसी कितना होता है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये में आया हुआ क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड का एचआरसी कितना होता है। तो इसका एचआरसी होता है 59 से 62 एचआरसी होता है। अगर पूछा कि हेक्सा ब्लेड का एचआरसी कितना होता है, तो 59 से 62 एचआरसी तक इसका होता है। और यहीं पर पूछ दिया आपको स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड, ये आपका कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सा ब्लेड, तो ये 250 से 300 mm तक होता है। इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ हेक्सा ब्लेड है कितना, 250 से 300 mm, ये भी एग्जाम में WPD से लिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जिसमें कितना से जान गए। अब क्या है, टू टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। पहला क्या होता है, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, दूसरा क्या होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड में क्या होता है, इसमें पूरा
हार्ड एंड टेंपर क्या हो जाता है फ्लेक्सिबल में, दांत किया और दाँत को हम क्या करते हैं हार्ड एंड टेंपर करते हैं। ये टू टाइप्स का होता है हेक्सा ब्लेड। अब जनरली इसका थिकनेस क्या होता है, हेक्सा ब्लेड का चौड़ाई थिकनेस कितना होता है, हाफ इंच से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ इंच होता है ना इसका जनरली क्या होता है, हाफ इंच होता है, या फिर हम लोग एमएम में बात करें तो 12.7 mm से 16 mm तक किसका क्या होता है चौड़ाई ब्लेड की थिकनेस होता है। ब्लेड की चौड़ाई कितना होती है, हाफ इंच या 12.7 mm से 16 mm तक होती है ये चौड़ाई। और अगर थिकनेस यहीं पे रहा तो 0.63 mm से 0.8 mm तक क्या होता है ब्लेड का थिकनेस, मतलब मोटाई होता है, मोटाई जैसा फिगर में देख पा रहे हैं। तो ब्लेड को यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, द ब्लेड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मटेरियल टू बी कट। मतलब जब हम लोग ब्लेड का यूज करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहिए कि मटेरियल का साइज कैसा है, कितना मोटाई क्या है, उसका स्ट्रेंथ कैसा, उसके बाद ही हम लोग ब्लेड का चूज करना चाहिए। ब्लेड जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो तीन चार टाइप्स में बटे होते हैं, कॉस्ट, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड शेप ऑफ मटेरियल, उसके बाद ही हम लोग को ब्लेड यूज करना चाहिए। और जब भी हम लोग ब्लेड को हेक्सा फ्रेम में सेट करें या फिट करें तो उस टाइम क्या होना चाहिए, ब्लेड के दांत हमेशा आगे की ओर झुकाव होना चाहिए, अर्थात विंग नट की ओर, इधर विंग नट की ओर क्या होना चाहिए, ब्लेड की टीथ की झुकाव होना चाहिए। ये भी कभी कभी क्वेश्चन या फिर भाषा में पूछ लेता है। एंड फाइन पिच एंड क्या, फाइन पिच ब्लेड्स आर सुटेबल फॉर थीन मतलब पतला क्रॉस सेक्शन के लिए यूज होता है। फाइन पिच ब्लेड सुटेबल फॉर थीन सेक्शन, और कोर्स पिच ब्लेड सुटेबल फॉर थिक सेक्शन। तो जैसे हम लोग जान गए कि फाइन पिच ब्लेड सुटेबल फॉर थीन सेक्शन के लिए और कोर्स पिच ब्लेड सुटेबल फॉर थिक सेक्शन के लिए, अब एक हम चार्ट बनाए, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसा पिच होता है ना, एक पिच में कितने दांत कटे होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पिच, सेटिंग ऑफ टीथ, हेक्सा ब्लेड आयुज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पिच इन एमएम है ना, एक एमएम में 1.8 mm क्या होते हैं, दांत कटे होते हैं, तो उसका सेटिंग कैसा होता है, स्टक सेटिंग। यहाँ पे रहा सवाल सेटिंग का, तो सेटिंग हम लोग क्यों करते हैं, सेटिंग हम लोग इसलिए करते हैं हेक्सा ब्लेड में ताकि क्लियरेंस हो है ना, ताकि क्लियरेंस हो, जब हम कटिंग करते रहे तो चिप्स जो बाहर निकले इजिली बाहर निकले और इजिली से कटिंग हो पाएगा। सेटिंग हम लोग सेटिंग हेक्सा ब्लेड में नहीं देंगे तो हम लोग को यूज करने में बहुत ही हार्ड लगेगा, इसलिए क्या करते हैं हेक्सा ब्लेड में क्या करते हैं सेटिंग करते हैं। सेटिंग के लिए जो होता है टू टाइप्स हम लोग करते हैं, स्टक सेटिंग और दूसरा वेब सेटिंग। ऐसे सेटिंग का होता है एक दांत को छोड़कर फिर दूसरा दांत, या फिर एक पैर को छोड़कर फिर दूसरा दांत, हम क्या करते हैं इस जिग-जिग टाइप से रहता है, उसमें क्या होता है स्टक सेटिंग। और वेब सेटिंग में क्या होता है, एक लहर के रूप में होता है, इस टाइप से है ना, इस टाइप से हम क्या करते हैं लहर के रूप में मुड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं वेब सेटिंग। तो सेटिंग हम लोग जानेंगे सेटिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि क्लियरेंस और यूज करने में दिक्कत ना हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पिच क्या होता है, कॉस्ट पिच, जहाँ भी 1.8 mm का पिच रहा स्टक सेटिंग वहाँ पे होगा, और किस कॉस्ट पिच होगा है ना, क्या होगा वहाँ पे कॉस्ट पिच होगा। और वहाँ पे दांते कितने होंगे, 5 से 6 दांते क्या होगा टेपर होंगे प्रति सेंटीमीटर में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 1 cm कितने दांते होंगे 5 से 6 mm, तो सॉरी 5 से 6 mm, हाँ 5 से 6 cm। अगर इंच में यहाँ पे बात रहा तो 14 inch, या अगर एक इंच में क्या बोलते हैं TPI, थ्रेड पर इंच, मतलब एक इंच में कितना दांते कटा होगा 24। इसमें हम यूज कहाँ करेंगे, मुलायम धातु, आप इसमें यूज कहाँ करेंगे, मुलायम धातु में करेंगे, जैसे हम लोग का कांसा है ना, जैसे हम लोग का कांसा हो गया मुलायम धातु, कांसा पीतल एल्युमिनियम या मुलायम स्टील या कास्ट आयरन का धातु, और हम लोग कटिंग करना होगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कोर्स पिच यूज करेंगे। अगर पूछा कि कितना धातु एमएम ये रहेगा तो 1.8 mm पिच में रहेगा, कितना 1.8 mm पिच में क्या सेटिंग रहेगा, स्टक सेटिंग रहेगा, कोर्स पिच रहेगा, पर सेंटीमीटर 5-6 दांत कटे रहेंगे, अरे किन पे 14 दांत कटे रहेंगे, हम लोग करेंगे मुलायम धातु, जैसे स्टील, तांबा, स्टील, पीतल, कांसा, ढलवा लोहा इत्यादि, हम लोग क्या यूज करेंगे कोर्स पिच यूज करेंगे 1.8 mm पिच एमएम के बाद यूज करेंगे। तो वहीं पे रहा 1.4 mm का अगर पिच है तो उसमें क्या रहेगा, स्टक सेटिंग रहेगा, उसमें क्या रहेगा, स्टक सेटिंग रहेगा, और किस टाइप का पिच रहेगा, वो मीडियम टाइप का पिच रहेगा। पिच हम लोग क्या बोलते हैं, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। पिच हम लोग क्या बोलते हैं ब्लेड के एक दांते के साथ वाले दांते के मध्य की दूरी, अर्थात एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच की दूरी हम क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो अगर 1.4 mm का पिच रहा तो हम कौन सा वहाँ पे पिच करेंगे, मीडियम पिच यूज करेंगे। और परसेंट में दांते कितना होगा 8% में, कितना आप दांते कटोगे 1 cm में, अगर इंच में यहाँ पे पूछा जाए तो 18। और इसमें हम यूज करेंगे हार्ड मटेरियल यूज करेंगे, हम इसका यूज कहाँ करेंगे हार्ड मटेरियल, इसको हम यूज कहाँ करेंगे हार्ड मटेरियल, जैसे हम लोग का हाई स्पीड स्टील, हम लोग का हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील इत्यादि का कटिंग करना होगा, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील या फिर येलो स्टील इत्यादि का कटिंग करना होगा, तो हम किस पिच यूज करेंगे 1.4 mm पिच वाली, और हम किस पिच मीडियम पिच, उसमें दांत कितना रहेगा 8% और इंच में कितना रहेगा 18, दिक्कत तो नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे हम लोग इसको चार तरह से क्लासीफाई किए हैं, 1.8
1.41 और 0.8 वन पॉइंट रहा तो यहाँ पे कौन सा सेटिंग होगा, वेब सेटिंग। वेब सेटिंग जान ही गए कि हम बताइए क्या होता है। वेब सेटिंग में क्या होता है, फाइन पिच होता है। वेब सेटिंग में क्या होता है, फाइन पिच होता है। इसमें दाते कितने सेंटीमीटर में टेपर होते हैं, 10 प्रति सेंटीमीटर क्या होते हैं, दाते होते हैं 1 सेंटीमीटर 10 एक इंच में क्या होता है 22 इंच होते हैं। इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, एंगल आयरन, जैसे पीतल हो गया। एंगल आयरन को हम लोग कटिंग करना तो हम लोग 1 mm वाले पिच का यूज करेंगे, जो फाइन पिच। अगर पीतल की ट्यूब ओवर कटिंग करना है तो इसका यूज करेंगे। तांबे तथा लोहे के पाइप ओवर कटिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, फाइन पिच वाली ब्लेड का हम लोग यूज करेंगे। जनरली क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम पूछा जा चुका है। ये आप यहाँ से DMRC DRDO इत्यादि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, समझ में दिक्कत ना होगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रटते हैं। अब रटना नहीं, हम आपको कॉलम वाइज आपको सब चीज़ क्या कर दिए, समझा दिए, तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगा, जैसे हमको उम्मीद है। नेक्स्ट क्या, लास्ट 0.8 mm। अगर 0.8 mm पिच का ब्लेड रहा उसमें कौन सा सेटिंग होगा, वेब सेटिंग है ना, तो कौन सा पिच होगा, कौन सा फाइन क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन सा वेरी फाइन, क्या होगा वेरी फाइन ब्लेड होगा। उसमें दाते कितना होगा, 12 सेंटीमीटर दाते होंगे, पर सेंटीमीटर 12 दाते होंगे, और एक इंच में क्या 32 होंगे दाते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हल्के कार्यों के लिए, जैसे कंडक्ट पाइप, जैसे हम लोग बिजली पाइप जो हम लोग तार ले जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, कंडक्ट पाइप बोलते हैं। पतली ट्यूब तथा धातु की चादर अगर कटिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, 0.8 mm पिच वाला या फिर वेरी फाइन पिच ब्लेड का यूज करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि कंडक्ट पाइप को कटिंग करने के लिए हम लोग किस पिच वाले ब्लेड का यूज करते हैं, तो किसका हम यूज करते हैं, 0.8 mm। दिक्कत नहीं, हमको लग रहा है कि आपको समझ में कहीं दिक्कत नहीं आया, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। और जब भी हम हेक्सा ब्लेड यूज करें तो 40 से 50 mm पर स्ट्रोक होना चाहिए, 40 से 50 पर स्ट्रोक मिनट होना चाहिए, एक मिनट में इतना स्ट्रोक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इससे हीट होकर ब्लेड क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, तुरंत घिस जाएगा। और जब भी हम लोग हेक्सा ब्लेड का यूज करें तो जब अगर बाई चांस कभी अगर हेक्सा ब्लेड टूट गया तो पुराने ब्लेड की जगह हम लोग न्यू ब्लेड का यूज कभी नहीं करेंगे, है ना। और जब हम लोग स्ट्रोक करेंगे फ्रॉड स्ट्रोक में ही हम लोग क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, बैकवर्ड स्ट्रोक में दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि हैंड हेक्सा जो क्या होता है फ्रॉड स्ट्रोक में ही मेटल कटिंग करता है। और जब भी हम लोग कटिंग करें तो कटिंग स्पीड क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए और पूरी लंबाई में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हेक्सा ब्लेड जो है पूरी तरह से यूज हो जाए। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाफ यूज करते हैं और पूरा आप हेक्सा ब्लेड का जो इधर का लंबाई बचा हुआ रहता है और बीच में हम लोग का टीथ घिस जाता है, आप ऐसा ना करें। जब भी आप इसका यूज करें तो क्या कटिंग स्पीड एक समान होना चाहिए, पूरी लंबाई में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। अगर जो कि हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड का रेक एंगल कितना के मध्य होना चाहिए, 0 डिग्री से 12 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है कि जो कि हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड की रेक एंगल कितना के मध्य होना चाहिए, 0 डिग्री से 12 डिग्री तक होना चाहिए रेक एंगल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।